स्वागत है आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ टेक्सस में और टेक्सस में सबसे ज़्यादा फेमस है गन्स। तो हम अभी गन के स्टोर पे गए थे जिसमें मतलब यूज्ड गन्स, पुरानी गन, आप अपने वहाँ पे गन खरीद सकते हो, बेच सकते हो, मतलब लीज़ कर सकते हो। पता नहीं क्या क्या मिल रहा था वहाँ पे, गोलियाँ, इतनी तरह की गन्स थी, पर वहाँ पे शूट करना अलाउड नहीं था। गन स्टोर्स पे जनरली जो वहाँ के लोग होते हैं शूट करने नहीं देते हैं। भाई को गन खरीदनी भी थी, भाई कह रहे थे मैं गन खरीद लेता हूँ एक, क्योंकि यहाँ पे बहुत इजी रूल्स हैं, आपके बस एक आईडी होनी चाहिए, जैसे आधार कार्ड हो, जाके गन खरीद के गन चलानी स्टार्ट कर दो। पर यहाँ पे टेक्सस में रूल है कि आपके पास टेक्सस का आईडी कार्ड होना चाहिए। भाई के पास नॉर्थ कैरोलिना का है तो वो कहते हैं नहीं आप नहीं खरीद सकते, आपको टेक्सस का आईडी कार्ड लाना पड़ेगा। तो वहाँ पे वीडियो भी नहीं बनाने दी हमको, हमने पूछा वीडियो बना सकते, कहते नहीं गन स्टोर्स में अलाउड नहीं है ऐसे करके। तो भाई ने कहा मैं एक ऐसी दुकान पे लेके जाता हूँ जहाँ पे सारी आउटडोर स्पोर्टिंग की चीज़ मिलती है, मतलब जैसे आपको यहाँ पे एनिमल हंटिंग भी अलाउड है, मतलब लिमिट में कर सकते हो आप। तो उनके लिए गन्स, मतलब नॉर्मल गन्स और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एक बहुत ही स्पेशल शॉप पे हम आए हैं आज, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। ऐसा मतलब स्टोर ना इंडिया में मिलना नामुमकिन के बराबर है, मेरे हिसाब से होगा भी नहीं। तो जो जो इस स्टोर के अंदर दिखेगा मैं वो आज आपको दिखाऊंगा और आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। मैं भी आज तक किसी भी ऐसे स्टोर पर नहीं गया हूँ, वॉलमार्ट ये सब, ये तो बहुत नॉर्मल स्टोर्स हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ बास प्रो शॉप्स, ये है भाई, देखो डिज़ाइन ही देख लो यार आप कैसा है इस शॉप का। बहुत ही बड़ी दुकान होती है अंदर से, ये पूरा मतलब एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। बाहर डेकोरेशन देखो यार इसकी कैसी है, यहाँ पे किसी किसी जानवर के वो स्कल वगैरह लटका रखे हैं, क्योंकि ये सारी हंटिंग से रिलेटेड शॉप है। ऊपर टेक्सस का फ्लैग है वो, और नीचे है, ऊपर है अमेरिका, नीचे है टेक्सस का फ्लैग। तो अब चलते हैं इस शॉप के अंदर और देखते हैं कैसी क्या शॉप है। भाई पार्किंग ही देख लो इस शॉप की कितनी बढ़िया और कितने लोग आ रखे हैं। तो ये आ गए हम शॉप के बाहर। और संटी भाई ये शॉप किस लिए फेमस है? ये शॉप है आउटडोर जितनी भी एक्टिविटी होती है ना, जैसे हो गया फिशिंग करना, कैंपिंग करना, या फिर बोट वगैरह हो गया है, या हंटिंग करना, मतलब जितनी भी आप सोच सकते हो ना हर आइटम इसके अंदर मिल जाएगा। एक ही दुकान के अंदर सब चीज़ें हैं। भाई देखो कैसी डेकोरेशन कर रखी है, लकड़ी वाला बना रखा है, क्योंकि हंटिंग वगैरह फिशिंग ये सारा ना जंगलों में होता है, तो इन्होंने थीम ही ऐसी बना रखी है। ये लकड़ी है क्या? हाँ लकड़ी है भाई। और देखो हैंडल ही कैसा है यार इसका। भाई ये मैं आ चुका हूँ स्टोर के अंदर। अरे भाई क्या है ये? ओ भाई ये ऐसा लग रहा है जंगल में आ गया मैं। भाई देखो स्टोर है, जंगल है, क्या है देख रहा भाई, हर जगह लकड़ी का, हर जगह जानवर, वहाँ वाटरफॉल चलने लग रहा है, अलग ही चल रही है भाई, अलग ही दुनिया है। अरे स्टोर तो यहाँ देखो, ये है गन्स का सेक्शन इनका, सारी हंटिंग गन्स हैं ये, मतलब नॉर्मल वाली भी हैं शायद। ये देखो भाई स्कोप्स रखे हैं $1500, $500, ये सारी हंटिंग की गन्स रखी हैं, वो रेट लिखा हुआ $500, $3000 भी है भाई। अब वैसे आप पूरे स्टोर में मैंने आपको दिखाया ना, जैसे कि आप कुछ भी उठा सकते हो, ट्राई व्राई कर सकते हो, पर गन्स का ऐसा अलग से काउंटर बना रखा है, आपको लाइन में खड़ा होना पड़ेगा। वहाँ पे आप उस बंदे को कहोगे कि मेरे को जोन सी गन चाहिए, वो उठा के आपको दिखाएगा फिर कि क्या क्या है क्या नहीं है। और ये रिपिस्टल्स भी हैं, तो मतलब ये वाला एक मिनी गन स्टोर मान सकते हो, मतलब एक्चुअल गन स्टोर तो नहीं है ये, पर हाँ ठीक ठाक गन स्टोर है। देखो रेट देख लो आप गन्स का क्या चल रहा है, $800, $200 की भी गन है भाई, $159 की भी है। तो आप देख सकते हो भाई ₹10,000 में आपको एक असली गन मिल जाएगी, 800, 800, 1200, 600। हाँ देखो स्कोप्स रखे हैं ये, कोई $300, $400, $500, $600, $129। तो यार ये गन्स वगैरह ना अमेरिका में काफ़ी सस्ती भी हैं और महंगी तो खैर है ही, महंगी तो आप कहीं पर भी कुछ भी ले सकते हो, पर अमेरिका में ना काफ़ी सस्ती भी हैं गन्स वगैरह। भाई ये देखो सामने ऑटोमेटिक राइफल्स भी रखी हैं भाई, मूवीज़ में देखा होगा ऐसे ऐसे डब्बे होते हैं जिसके अंदर मशीन गन्स की गोलियां रखते हैं और आर्मी वाले उसको शूट करते रहते हैं। तो ये देखो ये डिब्बा है, इसके अंदर आप गोलियां रख सकते हो, यहाँ पे पूरे की पूरी रील की रील आ जाती है। आपके पास बहुत सारे पड़े हैं घर पे ये? हाँ ये मेरे पास पड़े हुए हैं, एक दो पहले मेरे दोस्त ने दिए थे, मैंने उनमें प्लास पेच कस रख रखे हैं। गोलियां क्यों नहीं रख रखी? मैं एक बंदूक आज तक मैंने उससे चलाई नहीं गोली, तो वो पड़ी हुई है बस बंदूक। तो मैं इतने की है ये डिब्बा, आवाज़ ही ऐसे आई जैसे बंदूक चल गई हो, यहाँ प्राइस तो लिखा नहीं है। देखो एक और तरह से जिसमें आप गोलियाँ, ये देखो इस पे दिखाया हुआ है किस तरीके से आप अपनी है ना सब चीज़ें रख सकते हो। ओहो अच्छा खाली है तो प्लास्टिक है, तो इसमें क्या गोलियाँ भरी भी लोगे क्या? तो देनी चाहिए ना इनको। ओ ये देखो फिर आ गई, सेम है ये वही। संटी भाई कुछ स्पेशल दिखाने आए हैं, क्या दिखाने आए हो भाई? भाई जैसे अगर आपको लगे ना डर के भाई अटैक हो गया अब,
तो हाँ। इसको खोल के खुद बैठे हो क्या ये? ये गन रखने के हैं। अच्छा गन रखने के लिए सेफ ये? हाँ ये देखो यार कितना खुलेगा कैसे अब ये? इसका कोई कोड वगैरह इन्होंने लिखा तो होगा यहाँ पे देखो। तो यहाँ पे ये सेफ्स रखे हैं जिसमें आप गन्स वगैरह रख सकते हो। ये सारे लॉक्ड पड़े हैं अभी तो यार, और अलग अलग उसके हैं। फायर रेटिंग 40 मिनट्स, फायर रेटिंग 60 मिनट्स, होल्ड अप टू 30 लंबी बंदूकें रख सकते हो इसमें 25। तो अलग अलग हैं, पर एक बड़ी अजीब चीज़ है यार वो उन्होंने ना बच्चों की वजह से बंद कर रखे हैं कि भाई बच्चा ऐसे कोई बंद ना कर दे। अच्छा पता ही नहीं चलेगा ना फिर। ये देखो प्राइस यहाँ गायब है इसका। ये रहा प्राइस 799। हाँ इसका लिखा है 799। ये सस्ते हैं ये वाले यार, एक तो खोल ही देते ना। हाँ एक तो खोलना चाहिए था, उसको रोज चेक कर लो कोई सा बच्चा तो अंदर नहीं रह गया इनके। अच्छा ये रहा, ओहो $4,000 की सेफ है भाई ये वाली। भाई रख लो अपने सारे जो अमेरिका में पैसे कमाए हैं आप, ही सेफ ले चलो। रुको मेरे को अभी थोड़ा करने दो। इसमें लगता है अंदर से किसी ने बेल लॉक करके बैठा हुआ है। ये है भाई देख लो राइफल केस, इसमें आप अपनी राइफल लेके जा सकते हो अलग अलग, मतलब ये कैमोफ्लाज केस जैसे से भी हैं। देखो ये रहे, ये कितने का ये? अरे भाई बड़े सस्ते हैं यार, $30 का। मतलब अमेरिका के हिसाब से ये सब चीज़ें सस्ती हैं काफ़ी यार। जैसे ये केस है ये 44 का, ये काफ़ी लंबा है, इसमें काफ़ी सारी जिप्स वगैरह हैं। ये वाला सस्ता है सिर्फ $25 का भाई। ये सबसे सस्ता यहाँ पे है $19 का। ये रहा देखो, ये थोड़ा बेकार है, तो ऐसा लग रहा है गिटार ले गए अगला बंदा डरना भी तो चाहिए कि अगले पास बंदूक है। तो भाई आपने फिल्मों में देखा होगा कि जैसे ये केसेस होते हैं इसमें गन्स रखते हैं लोग अपनी, इसको ऐसे खुल जाते हैं ये, और इसके अंदर गन रख सकते हो आप अपनी। खोलना, हाँ ये खुल गया सारा। हाँ ये देखो इन्होंने काट रखा है, जैसे गन रखी और ये दबाया ना तो गन हिलेगी नहीं। हाँ तो ये अलग अलग साइज़ में है देखो। पिस्टल केस ये बड़ा हल्का सा है, सिर्फ $10 का है, कितना सस्ता है ना। और अब आपको दिखाए थे मैंने $25 वाले राइफल केस, ये देखो भाई बड़े वाले, ये वाले महंगे भी हैं, $139 का पूरा केस है। ये भी मतलब वैसा सा, ये मेड इन USA है। और ये तो अब ये देखो, आपने ये भी चीज़ फिल्मों में देखी होगी बहुत ज़्यादा, ये है इलेक्ट्रॉनिक सेफ। मतलब लोग ना ऐसी घर में सेफ रखते हैं, और वो फिल्म में जब भागना होता है बंदे को, टाइटैनिक में भी आपने देखा होगा उसने फटाफट अपना कोट डाला, अंदर थोड़े बहुत पैसे होते हैं और एक लक्की होती है बंदूक, वो निकाल के भागा था। टाइटैनिक में भी आपको याद होगा जो मतलब विलेन था, या विलेन नहीं कहेंगे, मतलब वो जो बंदा था रोज का, मतलब जो हस्बैंड होने वाला था, वो निकाल के सेफ में से भागा था। तो ये सारी चीज़ें ना यहाँ पे अवेलेबल हैं, देख लो कितने की है, $199, $129। यहाँ पे दिखा भी रखा है कि गन रख लो थोड़े बहुत, मतलब कैश रख लो भाई। ये देखो गन को ना यहाँ साइड में टांगने के लिए, ये आप अपनी कमर पे लगाना चाहो तो उसके लिए, पर ये काफ़ी महंगे, $45-60। 60 तो बहुत महंगा हो गया। ये देखो ऐसे वाले, देखो फ्लैग USA का, मैंने आपको बताया दिया USA का फ्लैग कहीं पे भी यूज़ कर देते हैं ये लोग, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई देखो जो असली गन्स होती है ना उनको ऐसी जगह रखना जहाँ पे बच्चे उसको छेड़ सकें, वो लॉ के ख़िलाफ़ है। तो कोई दुकान रख ही नहीं सकती, चाहे वॉलमार्ट हो, चाहे ये वाली शॉप हो, चाहे नॉर्मल गन शॉप हो, काउंटर के पीछे रखना पड़ेगा जहाँ पे आपको एक बंदा ही दिखाएगा। पर ये जो गन्स रखी है ना इनको कहते हैं सॉफ्ट एयर एंड एयर गन। तो ये जो आपने मतलब मेलों में देखी होंगी जिससे आप गुब्बारे फोड़ते हो, पर ये वाली गन भी भाई ये मान लो आराम से 4 किलो की तो होगी आराम से। तो इनका प्राइस देखो आप, $200। ये वाली सस्ती है $89 की। भाई ये तो हम खरीद सकते हैं यार, मतलब फन के लेना अगली बार। हाँ अगली बार आओगे तो $89 की है बस। हाँ $89 की ये लो, और भाई $20 में इतने सारे छल्ले। भाई ये पता नहीं कितने होंगे, पर बहुत कितने होंगे यार इसमें लिखा होगा, इसमें क्वांटिटी ये लिखे 6,000। 6,000 तो यार ज्यादा ही नहीं हो गए कुछ? नहीं इन्होंने लिखा हुआ है 6,000। 6,000 तो ज्यादा हो गए यार। हाँ 6,000 लिखा हुआ है। हाँ, तो होंगे ही। हाँ इसमें 250 हैं, इसमें 2500 हैं, ये देखो 1500 तो इसमें है, 1500 तो इतने छोटे में। हाँ सही कह रहे हो भाई, भारी कितना है ये भी 6,000 है इस वाले में। 250, 6,000 तो बहुत ज्यादा हो गए यार, चलाते रहो जिंदगी भर खत्म नहीं होंगे तो पट 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 $20 में 6,000 आ जाते, अपने मजे करो ये लेके। ये कैसे हैं ये देखियो, ओ भाई टारगेट भी है देखो, यहाँ पे टारगेट आप लगा सकते हो। हाँ। ये देखो, ये देखो ये इतना भारी है, आराम से उठाना हाथ वो हो जाएगा पागल बना ये 5,000 के, मतलब बहुत सस्ते। तो यार टारगेट खरीद लेंगे एक,
ये देखो अलग अलग तरह के टारगेट। आप मेरे वहाँ पे आना, मैंने वहाँ पे लिया हुआ है बिल्कुल जंगल टाइप के एरिया में घर, वो वहाँ पे टारगेट की जरूरत नहीं है, बोर्ड लगा के वहाँ पे टाइ टाइ करता हूँ मैं। नहीं नहीं, ये टारगेट से पता चल जाएगा कि कितने आपके लग रहे हैं, तो ये सारी चीजें उस पे भी पता चल जाएगा। बोतल रखेंगे $50 का, ये देखो ये भी एक टारगेट है, मतलब डिस्क से उड़ाओ, फिर स्कोप लगा सकते हो आप इन गन्स पे ही। सच बताओ ना, आपके लिए ये वाली गन है। ये क्या होली पे पिचकारी? ये नहीं भाई, भाई इससे ज्यादा तेज था दिवाली पे जो हमारी गन आती है जिसमें लड़ी सी लगाते गोल गोल, वो तेज आवाज करेगी। इससे अच्छा तो है हाथ में पकड़ के और यूं मार दिया। अरे सस्ती नहीं है $20 की? बहुत, हाँ ये तो बहुत ज्यादा सस्ती है। दो दो गन, दो गन देख लो, ये भी सही है यार। सही, ये देखो पूरा सेट ही मिल रहा है भाई, ये $64 का। रुको, इसमें दो गन है और टारगेट भी है। टारगेट भी है, ये मेरे को सही लग रहा है। हाँ देखो डिब्बे में पैक्ड रखी है सारी, वहाँ पे रखे हैं सैंपल और यहाँ से आप उठा सकते हो नई गन। देखना इसके ऊपर आप ऐसे स्कोप कोप लगा सकते हो, इसके ऊपर आगे का ये भी लगा सकते हो। और कितनी लंबी होगी भाई ये देखना, ये हो गई भाई यहाँ पे मैं रख दूँ अपने पास तो लगभग 4.5 फुट की गन हो गई ये वाली। ये वाली भी अच्छी है देखो, ऑटोमेटिक रेट ऑफ फायर अप टू 1400 राउंड्स पर मिनट, ये तो मार देगी बंदे को। शूट स्टील बार्स। यहाँ देखो एक गन है बच्चों के लिए, ये 14 साल के बच्चों के लिए। इसमें डालना, ये डालना है एमओ। एमओ तो ऐसे करो खाली पड़ी है, ये डल गई एमओ। अब ये एमओ है इसकी 20,000, ये मतलब पानी वाली है बंदूक। ये एमओ ना बड़ी हो जाएगी, मतलब जो गोली है ना छोटी छोटी है, इसमें पानी डाल दोगे बड़ी हो जाएंगी, फिर इसके अंदर लोड कर दो और फिर इसमें खेलते रहो इससे। फील मतलब तो ओरिजिनल वाला है। हाँ तो ओरिजिनल वाला ही प्राइस है, $90 की बंदूक है, $13 की गोलियाँ हैं और इसके अंदर भी थोड़ी बहुत गोलियाँ आती हैं। अगर मतलब $90 में गोलियाँ बंदूक दोनों है। गोलियाँ तो ऐसे हो रहे हैं पर यार तो... ये देखो ना आप, 500-500, 1000-10,000 गोलियाँ आ रही हैं। तो इसके अंदर पूरा भरा जाता है ना, बच्चों के लिए ना वो चलाते ही रहते हैं। बट गोलियाँ आप ऐसे बोल रहे हो जैसे तो वो कायम चूरन की गोलियाँ हो। ये देखो ये है भाई, अगर आप एयर गन चलाते हो ना तो आपको ये सिलेंडर भी लेने पड़ते हैं। सिलेंडर क्या है, मतलब असली बंदूकों में तो चाहिए नहीं होते, इसके अंदर वो होती है CO2, तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो इससे मतलब आपकी गोलियां शूट होती हैं। जितना ज़्यादा लोड होगा ना उतनी तेज़ गोली जाती है। देखो भाई पूरा स्टोर है, पूरा जंगल वाला फील दे रखा है पूरे स्टोर में। हम फर्स्ट फ्लोर पर खड़े हैं, यहाँ देखो पेड़ है जिसपे घोंसला बन रखा है, यहाँ से वाटरफॉल चलने लग रहा है, अंदर पेड़ उगा रखा है, नीचे देखो हिरण विरण खड़े हैं, ये मतलब नकली हैं ऑब्वियस सी बात है। वहाँ देखो भाई क्या है। तो ये आ गए हम पूरे हंटिंग वाले एरिया में, अभी आ गए हम हंटिंग वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप कपड़े देखो कैसे मिल रहे, सारे कैमोफ्लाज वाले कपड़े हैं कि आप घास वास में जाओ, लोग जाते हैं भाई यहाँ पे। यह बड़ा ट्रेडिशन है यहाँ पे अमेरिका में, इंडिया में इसका ट्रेडिशन बिल्कुल जीरो है, ये आर्मी वाले पहनते हैं इंडिया में, पर यहाँ पे नॉर्मल लोग ऐसे कपड़े पहन के जंगलों में छुपे रहते हैं, जानवरों का शिकार करते हैं। तो यहाँ पे बड़ा कॉमन है ये जानवरों का शिकार विकार करना। तो अब ये देख लो भाई, ये पैंट है, ये है $99 की, बड़ी महंगी यार। जैकेटें, पैंट, टी शर्ट ऐसे बन जाते हैं फिर वो जंगलों में, फिर छुपे रहते हैं भाई। देखो पता ही क्या करते हैं, इनके जो जूते है ना वो भी ऐसे हैं, फिर पैंट भी और ये जैकेट तो भी। अब आज ये दिखाता हूँ, ये फिर ये पहनते हैं ये टोपी ऊपर, और ये मुंह का भी है ना ढकने का भी इसी तरीके से होता है, और जो इनके गोगल्स आते हैं ना वो भी इसी तरीके से बना रखे। तो बंदा जब लेट जाता है ना तो दिखता नहीं है भाई। ये देखो पूरा बैग भी इनका ऐसा ही है, देखो ये देखो ये रहा, ये जो मैं बता रहा था, ये देखो ग्लव्स और ये रहा जो गले में मैं डालने का बोल रहा था ना, ये रहा। तो यार अमेरिका में ये बताओ हंटिंग ये सब कितना कॉमन है? ये बहुत नॉर्मल है यार हंटिंग, पहले मैंने एक दो वीडियो बनाई थी। किसी भी जानवर का शिकार कर लो यहाँ जाके? नहीं, सीजन होता है अलग अलग, सीजन में अलग अलग। जैसे अक्टूबर के टाइम में ना नॉर्थ कैरोलिना में आप बेयर्स की हंटिंग कर सकते हो। अच्छा कर सकते हो, लीगल है वहाँ, पूरे साल में एक ही बार आता है। अच्छा। और फिर अगर आप कोई भी जानवर को मारते हो तो आपको रिपोर्ट करना होता है कि आपने मार दिया। अच्छा। तो इस तरीके से उनको पता होता है कि कितने जानवर मर चुके हैं और फिर कंट्रोल करते हैं वो लोग। आपने बहुत सारी मूवीज देखी होंगी स्पेस में लोग जाते हैं, या फिर मतलब मैंने कई सारी मूवीज में देखा, स्पेस वाली में देखा है ज़्यादातर, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं तो भाई वो अपने साथ खाना लेके जाते हैं ऐसा कि भाई 10-10 साल तक एक्सपायर रहा हो। और ये खाना वही है $9.25 में 2053 बेस्ट बाय 2053। यार ये खा लोगे आप? ये मैंने खाए हुए हैं। कैसे थे? टेस्टलेस होते हैं, बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता खाने में, ऐसा लगता है कि जैसे दोबारा खाऊंगा नहीं। ये देखो नूडल्स,
ठीक है, ब्रेकफास्ट के लिए ये स्क्रैम्बल्ड एग्स, फिर ये आइसक्रीम तो ज़्यादा जल्दी एक्सपायर हो रही है, खैर 2026 में हो रही है ये वाली कब हो रही है, ये भी 2026 में हो रही है, ये देखो 2053 भाई इनका देखो यार कितना सही है क्या ला के डाल दिए, 25 साल तक एक्सपायर ही नहीं होने। हाँ ये तो खराब ही नहीं होंगे देख लो भाई, बट ये बहुत कम बिकता है ये वाला माल ना। हाँ यार ये कौन खरीदता है? खरीदते हैं कुछ लोग जो लंबी कैंपिंग पे जा रहे हैं। लंबी एसी कितनी लंबी, 25 साल लंबी एक साल की तो वैसे भी होती है एक्सपायरी डेट, समझ नहीं आया ना, बहुत लंबा है। चलो यार जिसको जो लंबी 25 साल की एमपी में जा रहा है अमेरिका में वो खरीदता है। ये पता है सबसे ज्यादा कब बिकेंगे? जब पता चलेगा ना कि वर्ल्ड वॉर हो गया। हाँ। तब ये मैं बता रहा हूँ सब लोग ये खरीद ये खरीद के ले। सही कह रहे हो आप, तब ये बिकेंगे, उसी के लिए रखे हुए हैं कि कब होगी और उस दिन ये प्राइस 99.25 होगा। नहीं मेरे को लगता है ये 1000 का बिकेगा ये मैं तो सोचा 2-3 रख के ले ही लेता हूँ मैं भी, है ना। भाई की वैन में देखा होगा, भाई की वैन वाली वीडियो में हीटर, ये वाला हीटर नहीं दिखाया था ना हमने, तो डीजल वाला दिखाया था। अच्छा ये दूसरे वाला है। देखो पहले मैं बहुत ज्यादा मुझे ठंड लगती थी, फिर उसके बाद मुझे किसी ने बताया ये हीटर, जब मैंने ये हीटर लिया तो मेरी ठंड चली गई 90-80 डॉलर। ये वो ऐड नहीं आती थी पहले बचपन में, तो ये मैंने लिया था हीटर, और ये गैस के छोटे से प्रोपेन सिलेंडर पे चलता है ये वाला। अरे इसी से तो हम खाना बनाते हैं रोज, इससे खाना भी बना सकते हो। ये प्रोपेन सिलेंडर है ना यहाँ लग जाता है इसके अंदर, और फिर यूँ नीचे चला जाता है और साइड में रहता है, और ये सच में यार पूरी एकदम गाड़ी है ना गर्म रखता है। इसको बड़ी हीटर के नाम से जाना जाता है, ये लिखा हुआ बड़ी। तो भाई हम हंटिंग सेक्शन से आ गए हैं ये बोटिंग वाले सेक्शन में, यहाँ देखो पूरी की पूरी बोट्स पड़ी हैं। यार मैं ना सच बता रहा हूँ कल्चर बहुत ही अलग है यार अमेरिका का ना इंडिया से बहुत ज़्यादा। ये बोट वोट तो यार कोई मैं सोच ही नहीं सकता यार इंडिया में कि एक दुकान पे जाके आज मैं बोट खरीद के आऊंगा। भाई ये है कनू, मैं ना फ्लोरिडा में करने चला गया था, वो भी जहाँ मगरमच्छ होते ना जिस रिवर में, उसमें मैं था, डायरेक्ट था और अमित था, तो हम लोग कर रहे थे, तो डायरेक्ट हमें बोल रहा ना लेफ्ट जाओ लेफ्ट जाओ, मैंने चप्पू राइट चला दिया और मगरमच्छ के मुंह में चला गया, अमित हिल गया, अरे नहीं हम पलट गए उसमें, और वो वहां मगरमच्छ थे। फिर पता है उसी टाइम ही सब अमित तो तैरने लग गया, डेरिक तो सबसे पहले पहुंच गया, और फिर हमें गाली दे रहा मगरमच्छ काट लेगा, मगरमच्छ काट लेगा काट नहीं लेगा खाई जाएगा कुछ कर देगा। तो यार एज ए इंडियन में आपको बताऊं तो मेरे को बड़ी अजीब लगता है कि एक दुकान पे मैं आया जिसपे नॉर्मल बंदे आ रहे हैं, मतलब नॉर्मली कोई मछुआरा वगैरह नहीं है, और ये सब बोट पड़ी हैं, कहीं पे राइफल्स पड़ी हैं, कहीं पे गन्स पड़ी हैं, कहीं पे हंटिंग का सामान पड़ा है, कहीं पे फिशिंग का सामान पड़ा है। ऐसे स्टोर इंडिया में होते ही नहीं, क्योंकि यार हमारे अभी देश में ना रिक्रिएशनल एक्टिविटी जिसको कहते हैं ना कि मतलब आउटडोर स्पोर्ट्स, ये सब अभी लोग कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि यार हम लोग ना अपनी नॉर्मल लाइफ को ये अभी बेटर बनाने में बहुत ज़्यादा बिजी हैं, जबकि अमेरिकन के पास पैसे बहुत सारे हैं, तो ये क्या करते हैं ना अपनी लाइफ मतलब फुल खुल के जी रहे हैं, हम जॉब्स में लगे हुए हैं, अपनी लाइफ बेटर बनाने में लगे हुए हैं, तो हमारे देश को ये सब डेवलप करने में ना मेरे को लग रहा है थोड़ा टाइम और लगेगा अभी, पर हो जाएगा। भाई इसके अंदर क्या क्या है? ये सीट है यहाँ पे, और ये जो प्रॉपर बनाई हुई है ना ये फिशिंग रोड के लिए बनाई हुई है, यहाँ पे आपने फिशिंग रोड रख ली, यहाँ रख ली वहाँ, तो चार ये स्पेशल फिशिंग के लिए है, यहाँ अपना सामान रखा और इससे टाइट रहता है, और इसको लोग गाड़ी के ऊपर बांध के ले जाते हैं ना। हाँ ये गाड़ी के ऊपर ऐसा टेढ़ा करके फिट होके चला जाता है। हाँ सही कह रहे, कई लोग गाड़ियों के ऊपर साइकिल बांध देते हैं, साइकिल दो ऊपर रख दी, कई लोग ये रख देते हैं, ये रख देते हैं ऐसे, नहीं इसका वो अलग आता है, साइकिल का अलग है, इसका रैक अलग होता है, मगर ये बहुत सस्ती है। अरे ये रही भाई, ये रही, ये देख। हाँ ये रहा इसका, देखो ऐसे बांध के ले जाते हैं, ये इसका रैक आया हुआ है, ये इसी के अंदर ही है सारा। हाँ इसी के अंदर ही है, ये अलग रैक है, ये देखो ये अलग रैक है, हर कितनी सारी चीजें हैं। तो अगली बार ना भाई कह रहे हैं हम करेंगे बैग पैकिंग ना कि ड्राइविंग वैन, हम नहीं करेंगे, तो मैंने कहा भाई ये रहे आपके रक्सैक जो आपको खरीदने थे, क्योंकि मेरे से कह रहे थे भाई इंडिया में मैं ऑर्डर कर दूंगा, अगली बार लेता आइयो मेरा, कह रहे इतने महंगे $280 का, इतने में तो मेरी फ्लाइट हो जाए। भाई लास्ट टाइम मैंने $350 की फ्लाइट कराई थी, जो आपने कोर्स निकाला था ना वो देखने के बाद, तो इतने में तो देख लो मेरी फ्लाइट आ जाएगी इंडिया की तो भाई जिस कोर्स के बारे में बात कर रहे हैं ना, तो मैंने कोर्स निकाला है हाउ टू गेट फ्लाइट्स फॉर फ्री, उसमें फ्री भी फ्लाइट आपको मिल जाएंगी, पर सारी फ्लाइट ऑब्वियसली बात है फ्री नहीं मिलेगी, वो तो फिर एयरलाइन चलनी बंद हो जाएगी, पर उसमें मैंने बताया कि आप अपने
मतलब ये मान लो 30-40% कई बार 20% पैसे कैसे बचा सकते हो, तो वो कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, चाहो तो जाके खरीद सकते हो। भाई मेरे को हुआ था उससे ना 30% का फायदा। हाँ भाई कह रहे थे क्या कोर्स बना रखा है, भाई को तो खैर मैंने ऐसे फ्री में दे दिया क्योंकि इतने दिनों से बसंती में घुमा रहे हैं, तो भाई ने देख लिया फिर उससे बुक कराई थी। नहीं मेरे को सही में 30% का हुआ, मैं मोस्टली कराता था मतलब 550-600 का, मैं तो फर्स्ट टाइम शॉक हो गया 350 में मिल गई फ्लाइट। तो भाई उस दिन जब कनू कर रहे थे ना हम लोग, तो डायरी कह रहा कि ना ऐसे ऐसे कर, तो मेरे को लगा वो बोला शायद इस तरफ से कर, तो मैंने इस तरफ से ऐसे 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 कर दिया और अमित भी इस तरफ हो गया, पूरी बोर्ड पलट गई भाई। उस दिन का मेरे को याद है, मैंने वो वीडियो भी डाल रखी है। देखो भाई डेकोरेशन यहाँ पे 12 सिंगे, तो ये पूरा जंगल टाइप स्टोर बना रखा है कि आप एक ऐसा फील होएगा आपको कि ना आप जंगल में घूम रहे हो। ये देखो पूरा जंगल टाइप बना रखा है इन्होंने, बस यहाँ पे लिखा है नो स्विमिंग नो डाइविंग नो किडिंग। किडिंग का क्या मतलब है, ये पूरी लिफ्ट लगा रखी है, देखो लिफ्ट में मछलियाँ छाप रखी है, लिफ्ट यहाँ से जाती है और नीचे मछलियाँ भी होंगी, देखो मछलियाँ तैरने लग रही। कितना अच्छा फील दे रखा है यार, मतलब स्टोर विजिट करने के लिए ही बहुत ज़्यादा वर्थ है ये। वहाँ देखो मेंस अपैरल लिखा है, और संटी भाई एक बात और बता रहे थे क्या, मतलब ये ना अमेरिका में बोला जाता है यही एक ऐसा स्टोर है जहाँ पे आदमियों का सामान ज्यादा मिलता है लेडीज से। तो ज्यादातर स्टोर में लेडीज का सारे मॉल्स में ज्यादातर सेक्शन लेडीज के ही होते हैं। भाई की फेवरेट ब्रांड मिल गई यहाँ पे अंडर आर्मर, और मेरा फेवरेट कलर, मैं हमेशा ब्लैक ही पहनता हूँ। क्यों आर पार नहीं दिखता? इसमें देखो भाई पूरा स्टोर और आदमी चलते हुए दिख रहे हैं, तो डबल कर लो ना भाई, इसमें तो डबल में भी दिख रहा है। शुक्र है पैंट नहीं बना रखी इन्होंने आदमी के अंदर पहनने का। भाई यहाँ देखो हम आ गए फिशिंग सेक्शन में, और यहाँ पे रखी हुई फिशिंग रॉड्स वगैरह सारी। तो भाई ये जैसे आप एक चीज देख रहे हो ना, कुछ फिशिंग रॉड तो बहुत लंबी हैं, कुछ छोटे वाली हैं। तो जैसे अब ये देख लो ये कितने फीट की है, 6 फुट की। पहले तो ये साइज के अकॉर्डिंग इसलिए भी बनाते हैं कि बच्चे हो गए और बड़े हो गए, फिर उसके बावजूद है ना ये अलग अलग साइज की इसलिए बनाते हैं, जैसे अगर आपको छोटी सी क्रीक में जाना है तो क्रीक में इतनी लंबी वाली की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपको ऐसे करके फेंकना पड़ता है ना। तो वो देखेंगे लेक में जा रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो, तो ये जो जितनी लंबी वाली है ना वो है समुन्दर के उधर जो खड़े होकर फिशिंग कर रहे होते हैं ना, जिनको ज्यादा लंबी करनी होती है। और कुछ इसमें फिशिंग होती है फ्लाइंग फिशिंग, और उसके अकॉर्डिंग साइज, और इनको ये देखो कोई मोटी है कोई पतली है, तो ये सब उनके अकॉर्डिंग लगी हुई है। और आपको यहाँ पे पता है सर, आपने करी है कभी? हाँ मैंने बहुत फिशिंग की हुई है, मैंने बहुत पहले करके फिशिंग की थी, मैंने एक फिश पकड़ी थी और मैंने छोड़ दी थी वापस, क्योंकि मेरे से ना मार नहीं जाती है फिश। अरे भाई यहाँ पे वेट भी लिखा है 50-80 lb। हाँ और ये वेट पता हो क्यों लिखा है, ये इतनी मोटी मछली पकड़ सकता है, ये मतलब है इसका। तो क्या मतलब बताओ? नहीं नहीं सही बोल रहे हो आप, सही है ना। भाई हमको तो फिशिंग रॉड समझ में आती है कि भाई मछली पकड़ने जाना था एक रॉड होनी चाहिए, इतने आइटम यार ये क्या है, ये सब क्या है ये? भाई मेरे को भी पहले पता नहीं था, फिर जैसे मैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाता था ना तो अलग अलग वेट होता है इनका कि किस किस तरीके का वेट है, और फिर ये जैसे है ना ये हुक बोलते हैं, तो ये अलग अलग मछलियां पकड़ने के अलग अलग हुक होते हैं। अच्छा। जब किसी रिवर में जाते हैं ना तो इनको ये भी पता होता है कि इस रिवर में किस तरीके की मछलियां होती हैं। अच्छा। और उसी तरीके के हुक और उसी तरीके का मछली का खाना, तो ये सब मिल रहा है तभी ये इतना सारा है यहाँ पे। ये देखो कितने तरीके के हुक है, कोई भाई आपको मिल रहा है $20 का इतना बड़ा, कोई आपको मिल रहा है यहाँ पे $2 का भी, $5 का, $6, $7, सब $3, उस चीज पे डिपेंड है सारा। ओहो मेरे को समझ ही नहीं आ रही यार ये चीज़ क्या लटकी पटकी पड़ी है यहाँ पे, ये क्या भाई मछली का गला घोटना हो। मछली फांसी खा के ये है वो बड़ी वाली, आपने कभी वो देखी है जो वो कंपटीशंस होते हैं कि जो जितनी बड़ी मछली पकड़ेगा, तो इसमें यही वाली जो मछली होती है दिखाते हैं। अच्छा। तो उनके दिखाए हुए हैं ये। भाई एक चीज तो मैं देखनी भूल ही गया था रोड पे, शायद उन वाली में ना लगा नहीं हुआ था जहाँ मैंने रिकॉर्ड करी। ये देखो भाई जो आपने देखा होगा ऐसे मछली ऐसे करके फिर ऐसे ऐसे करके लपेटते हैं उस मछली को, इसमें धागा नहीं है, इस वाली में था ये रहा। नहीं धागा उसमें भी नहीं है, ये रहा ग्रीन है ना इसमें, ये रहा। हाँ धागा लगा रखा पर आगे नहीं लगा रखा। हाँ तो इसमें भी यार अलग अलग है, देखो ये छोटे हैं ये बड़े हैं ना। हाँ तो ये ज्यादा मोटी मछली पकड़ने के लिए है वो। चलो रख देते हैं, हम तो कहाँ दिल्ली में मछली पकड़ेंगे भाई अब। है दिल्ली में भी करते हैं लोग फिशिंग, पुराना किला के पीछे एक छोटा सा तालाब है। भाई यहाँ देखो अलग अलग मछलियों का अलग अलग खाना, ये देखो भाई $22 का खाना, भाई इतने में तो हम
इससे दो बार चिपोटले खाते इतने में तो मैं आपको सच बताऊं ना, पूरा वो जो सी फूड का मेन्यू होता है ना वो आ जाएगा जितने में ये कर रखा है इन्होंने। तो ये मतलब फिर लोग पहले रॉड खरीदते इतनी महंगी, फिर इनका मछली, फिर ये कांटे, फिर पता नहीं फिर एक बॉक्स भी खरीदते हैं जो अब $100 का होता है। बट ये शौक है, शौक बहुत बड़ी चीज है भाई, आप नहीं समझोगे। तो शौक के लिए कर रहे हैं लोग, इनको कोई मछली पकड़ के बाजार में बेच के नहीं आनी है, अपने परिवार के साथ जाते हैं। और वही मैं कह रहा हूँ, ये भी एक इनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी की तरह है, ये कोई इनको बाजार में जाके मच्छी बाजार नहीं बनाना कि मछलियाँ बेचनी है। वो तो भाई बड़े बड़े शिप्स में जाते हैं लोग, जो बड़े बड़े मतलब हजारों किलो की संख्या में मछली पकड़ते हैं। ये तो एक शौक है जो लोग करते हैं अपना। तभी मैं आपको कह रहा था कि यहाँ पे कोई मछुआरे नहीं आए हुए, यहाँ पे नॉर्मल लोग आए हुए हैं जो अपने वीकेंड्स पे इंजॉय करने के लिए सब चीज़ें खरीदते हैं। अब हम आ गए स्टोर के बाहर, और स्टोर के बाहर खड़ी हैं ये बोट्स। सबसे महंगी वाली ये है, $56,000 की शायद। इसके ऊपर चढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कैसी है। इस पर मान लो आप आराम से 8 से 10 जने बिठा के आप लेके जा सकते हो। ये देखो सारी खड़ी हैं, वो $30,000 की थी छोटी वाली, ये बड़ी है तो $50,000 से ज़्यादा की है। और मैं आपको दिखाऊं तो वहाँ देखो उनके पार्किंग लॉट में सारी की सारी बोट ही बोट खड़ी हैं, पर अभी सारी कवर करके रख दिए। मेरे को लग रहा है अभी इनको शिफ्ट भी कर देंगे, क्योंकि अब आ गए यहाँ पे सर्दी, आज हो रहा है कुछ 0 degrees के करीब। तो यहाँ देख लो ये आज अभी तो कोई नहीं खरीदा, गर्मियों का सारा सिस्टम होता है ये। तो अब चलते हैं बाहर और अपनी नेक्स्ट सिटी की तरफ। और गन्स के रूल्स तो भाई अमेरिका में आप लोगों को पता ही है कि गन्स से मतलब कितनी वायलेंस चल रही है अमेरिका में। अमेरिका में जो इलेक्शंस होते हैं उस पर भी गन्स के हिसाब से वोटिंग डलती है। जैसे इंडिया में कोई और मुद्दे हैं, यहाँ पे गन्स के मुद्दे हैं। कई सारे लोग कह रहे हैं नहीं भाई गन्स बैन कर दो, कई सारे लोग कह रहे हैं नहीं भाई गन्स रखना हर अमेरिकन का अधिकार है। टेक्सास में तो बिल्कुल ही खुला चल रहा है, वो बंदा बोला लाइसेंस वाइसेंस तुमको कुछ चाहिए ही नहीं, अपनी आईडी दिखाओ, कोई भी आईडी दिखा दो और बंदूक ले जाओ। तो कई स्टेट्स में कि भाई आपको लाइसेंस चाहिए, वो लाइसेंस भी बहुत आराम से बन जाता है, क्लासेस वगैरह लेनी पड़ती है बन जाता है। कई स्टेट्स में ऐसा है भाई खुला टेक्सास जैसे में कि भाई कोई आओ कोई ले जाओ। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो शायद गन्स के सपोर्ट में है ना, डोनाल्ड ट्रंप गन्स के सपोर्ट में है ना। हाँ वो बोलता है कि भैया गन वगैरह का कल्चर पहले से ही है, वो चलते रहना। और बाइडन, बाइडन भी मतलब कुछ उसके जो पार्टी के बंदे हैं वो कहते हैं कि भई ये गन की वजह से काफी लोग मर रहे हैं, जैसे स्कूल वगैरह में भी शूटिंग हो जाती है। तो भाई इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। आई होप कि आपको ये वाली शॉप बास प्रो शॉप्स ये पसंद आई होगी, और मैंने काफ़ी अलग दिखाने की कोशिश करी कि भाई क्या क्या होता है, अमेरिकन लोग कैसे कैसे एक्टिविटीज़ करते हैं। तो अगर आप कभी अमेरिका आओ तो इस शॉप को खुद विज़िट करके देख सकते हो, अंदर से काफ़ी अच्छी सी है, एक मतलब म्यूज़ियम टाइप लग रहा था मेरे को, तो काफ़ी मज़ा आया मेरे को घूम के। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।